जी नमस्कार, मैं सोनी चौरसिया। वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं काशी की बेटी के नाम से जानी जाती हूँ और काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन कर मैं निकली हूँ अयोध्या धाम के लिए। जैसे कि श्री राम जी ने जब सेतु निर्माण कर रहे थे और शिव जी का पूजन किया था, उसी तरह बाबा शिव की नगरी से निकली हूँ शिव आराध्य का दर्शन करके। और 4 दिनों की मेरी जर्नी है जो 228 किलोमीटर की है। पहला पड़ाव आज मेरा जौनपुर का था जो 70 किलोमीटर की दूरी रही, और यहाँ से कल का सुल्तानपुर है, इसके बाद अयोध्या और उसके बाद अयोध्या था। मैं इस यात्रा को 2.5 इंच के पहिए पर कर रही हूँ और यह सुझाव मेरे गुरुजी की तरफ से है, राजेश डोगरा जी, जो मेरे साथ इस समय इस मार्ग यात्रा में पायलटिंग कर रहे हैं और मेरे साथ एक सपोर्टिंग व्हीकल है। और बड़े हर्ष के साथ मुझे अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि ये सारा अरेंजमेंट मेरे चौरसिया समाज ने किया है। और हर स्थान पे, जैसे जौनपुर में मनीष भाई साहब जी के आज हमारा प्रवास है, इसके बाद सुल्तानपुर में होगा और पुनः फिर अयोध्या, और फिर अयोध्या धाम में तो मंदिर के मैं परिसर में चली जाऊंगी। आप मेरे पास ये देख रहे हैं, मुझे ये आमंत्रण प्राप्त हुआ है उस ऐतिहासिक क्षण में शामिल होने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं शामिल ही हो रही हूँ तो क्यों ना मैं अपनी श्रद्धा अनुसार ऐसे हाजिरी दूँ। देखिए, हमारा जो खेल है, जिसकी मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हूँ, रोमांचकारी खेल है, क्योंकि पता नहीं होता है कब क्या होगा। कहीं और भारत की सड़कों से आप भी वाकिफ होंगे, कहीं बड़े गड्ढे, कहीं छोटे गड्ढे, गिट्टी, प्लेन तो बहुत, और अगर प्लेन मिला तो उसमें भी गड़गड़ गड़गड़, तो बहुत वैरायटी है। तो मैं निकली हूँ 2.5 इंच के पहिए पे, रोमांचकारी यात्रा है, लेकिन यह यात्रा मेरी पूरी तरह आध्यात्म है, तो आप इसको एक आध्यात्म यात्रा का नाम दे सकते हैं। सोनी चौरसिया, सोनी चौरसिया आज काशी से वाराणसी से अयोध्या के लिए रोलर स्केटिंग माध्यम से चल रही हैं। ये हमारी शिष्या हैं और इसके मैं अपने मार्गदर्शन में इनको 5 और अन्य सदस्यों के साथ लेकर के जा रहा हूँ। आज 70 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग जौनपुर पहुँचे हैं। आज रात्रि विश्राम यहाँ पर है और कल हम सुल्तानपुर, परसों अयोध्या और फिर अयोध्या धाम हम पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इनको वहाँ से निमंत्रण मिला है और ये सीधे सीधे भी उनके द्वारा जा सकती थी, लेकिन क्योंकि स्केटिंग खेल क्षेत्र में इनको ये हासिल हुआ है, इसलिए रोलर स्केट करते हुए ही ये वहाँ तक पहुँचेंगे। मेरा नाम राजेश डोगरा।